Hey, what's up guys? कैसे हो सारे सारे? I hope सही बढ़िया होंगे। तो तुमने मेरा thumbnail और title तो देख ही लिया होगा और पढ़ लिया होगा, तो तुम्हें पता होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले artifacts के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेटलेन में बहुत सारे अपकमिंग artifacts आने वाले हैं जो कि नए करेक्टर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगे और काफी ज्यादा ब्रोकन है, तो उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। प्लस उसी के साथ साथ कुछ artifacts आपको फार्म करने की जरूरत नहीं है राइट नाउ, और किस डोमेन में अपने रेजन खर्च करना बढ़िया रहेगा राइट नाउ, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अपकमिंग आर्टिफैक्ट्स हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो अपकमिंग आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत ही ब्रोकन है और बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, और वो नए करेक्टर्स पे ही इस्तेमाल होंगे जो नेटलेन के होंगे, और वो करेक्टर्स इन्हीं आर्टिफैक्ट सेट पे काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जो आर्टिफैक्ट सेट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो जो पहला सेट था डीपीएस के लिए जिसमें डैमेज इंक्रीज हो रहा था 20%, अब वो 20% नहीं 15% होगा जब भी नेटलेन करेक्टर का नाइट सोल ब्लेसिंग ऑन होगा और वो फील्ड पे होगा, ये टू पीस सेट एक्टिवेट होगा। बात करते हैं इसी के फोर पीस सेट की। तो आफ्टर फोर पीस सेट लगाने के बाद जब नेटलिंग करेक्टर 10 नाइट सोल पॉइंट कंज्यूम करेगा उसका क्रिट रेट बढ़ जाएगा 40% फॉर 6 सेकंड्स। तो जो डैमेज डील था 2 पीस में 20% से वो 15% किया है बस। बात करते हैं सपोर्ट सेट बोनस की। अब जो पार्टी मेंबर में आपका नेटलिंग करेक्टर होगा और वो नाइट सोल बर्स्ट ट्रिगर करेगा तो उसको 6 एनर्जी रिस्टोर मिलेगा। बात करूं इसी सेट के 4 पीस की, तो एलिमेंट रिएक्शन ट्रिगर करने के बाद जो एलिमेंट टाइप है इन्वॉल्वमेंट, तो उसका डैमेज बोनस और फिजिकल डैमेज बोनस 10 सेकंड के लिए बढ़ रहा था 15%, तो वो 15 हटा के 12 कर दिया गया है, और ये बफ एडिशनली बढ़ता अगर आपका जो नेटलिंग का करेक्टर है वो नाइट सोल ब्लेसिंग इफेक्ट में होगा तो आपको 30% मिलता, मगर वो 28% किया है, तो टोटल जो 45% था वो 40% कर दिया गया है। तो इसमें 5% डिक्रीज कर दिया गया, बाकी ड्यूरेशन दोनों का सेम है, तो स्टिल ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस 5% कम किया है ताकि चीजों को बैलेंस कर सके ये लोग और कोई चीज ब्रोकन ना हो जाए। तो डेफिनेटली ये सेट फार्म करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा जब नेटलेन का नेशन आएगा। अब यहाँ पे आती है एक इंटरेस्टिंग सी चीज, और वो है आर्टिफैक्ट स्ट्रॉन्ग बॉक्स। अगर आपने कभी आर्टिफैक्ट स्ट्रॉन्ग बॉक्स इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट सेट मिल जाते हैं, आपको हर एक आर्टिफैक्ट सेट फार्म करने की जरूरत नहीं है, और जितने भी 5-star आपके पास बेकार पीसेस होते हैं आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे मालूम है 3 पीस देके सिर्फ एक रैंडम पीस मिलता है यहाँ पे, इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि आप हर डोमेन में रेजन अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो रेजन एफिशिएंट नहीं है। अब ये रेजन एफिशिएंट क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूं। तो गेम में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स डोमेन है और हर एक डोमेन फार्म करना वर्थ इट नहीं होता बिकॉज हर एक डोमेन में 2 5-star पीसेस मिलते हैं अलग अलग सेट बोनस के। तो हमेशा क्या होता है कि आपको एक सेट बोनस चाहिए होता है और दूसरा नहीं चाहिए होता है, मगर कुछ डोमेन ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल टाइप के हैं, आप उनका 2 पीस किसी भी दूसरे करेक्टर को दे सकते हो या फिर उनका 4 पीस किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, काफी यूनिवर्सल टाइप के होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मॉन्स्ट्रेट पे जो ड्रैगन स्पाइन है वहां पे मिलता है आपको ब्लिजर्ड जिसका 2 पीस आप किसी पे भी रन कर सकते हो क्रायो डैमेज के लिए, और फिर मिलता है हार्ट ऑफ डेथ जिसका 2 पीस आप हाइड्रो डैमेज के लिए किसी पे भी रन कर सकते हो। बिल्कुल सेम इनाजुमा में है शिमेनावा डोमेन जिसका 2 पीस आप रन कर सकते हो और 4 पीस एम्बलम रन कर सकते हो, और सेम आपको समीरू में मिलेगा डेंड्रो का डीवुड मेमोरीज और गिल्डेड वाला, और सेम आपको फाउंटेन में मिलेगा हंटर सेट और गोल्डन ट्रूथ। तो ऐसे कुछ डोमेन है जो कि रेजन एफिशिएंट होते हैं जिसमें दोनों जो पीसेज होते हैं 5-star वो काम के होते हैं और कोई ना कोई करेक्टर उन्हें रन कर सकता है। तो हर एक डोमेन आप फार्म नहीं कर सकते, अगर आप किसी स्पेसिफिक डीपीएस के लिए फार्म कर रहे हो तो आप जा सकते हो वर्थ इट है, अदरवाइज हर एक डोमेन फार्म करना वर्थ इट नहीं होता। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉक्स जो है वो अपडेट होने वाला है, तो इसमें जो पीसेज आने वाले हैं वो है डेजर्ट पवेलियन, निफ ड्रीम, वरुकाशा ग्लो, हंटर सेट, गोल्डन ट्रूप, डीवुड मेमोरीज एंड गिल्डेड ड्रीम्स। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे जब नेटलेन आएगा 5.0 में। तो ये राइट नाउ ये डोमेन आपको फार्म करने की जरूरत नहीं है अगर आपके करेक्टर्स बिल्ड हो चुके हैं। राइट नाउ अगर आपके पास आर्लेकिन है या फिर क्लोरिन है तो आप ये सेट फार्म कर सकते हो और बर्निंग रिएक्शन के लिए ये सेट फार्म कर सकते हो। प्लस अगर आपने रिसेंटली नाविया निकाली है तो आप ये वाला डोमेन भी कर सकते हो नाइट टाइम विस्पर का, और इसी के साथ साथ हीलर्स के लिए आपको मिलेगा सॉन्ग्स ऑफ डेज पास्ट। ये आर्टिफैक्ट सेट काफी यूजफुल है टू इंक्रीज द डैमेज, मगर ये उन्हीं पे काम करता है जो कि काफी ज्यादा ओवरहील करते हैं करेक्टर को या पार्टी मेंबर्स को। तो सिंपल एंड स्ट्रेट ये है कि अगर आपके करेक्टर्स बिल्ड हो चुके हैं तो एक्स्ट्रा फार्म मत करना ये डोमेन, क्योंकि उसके बाद आप नेटलिन के करेक्टर्स ही पुल करेंगे और वहीं का डोमेन ही फार्म करेंगे। बट स्टिल अगर आप एक बिगनर है या फिर मिड गेम प्लेयर है तो 3 डोमेन आपके लिए रेजन एफिशिएंट है, और वो है एक हंटर सेट जो कि फाउंटेन का है, और एक है समीरू का डीवुड मेमोरीज जहां से आपको गिल्डेड मिलता है और डीवुड मिलता है, और एक है इनाजुमा का जहां पे आपको शिमिनावा मिलता है और एम्बलम मिलता है। तो ये डोमेन रेजन एफिशिएंट है जो कि आपको करने चाहिए अगर आप एक बिगनर या मिड गेम प्लेयर हो। आप स्ट्रॉन्ग बॉक्स भी कर सकते हो, मगर आप ये डायरेक्टली फार्म करोगे उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉक्स करोगे तो चांसेस है डबल कि आपको अच्छे पीसेस मिल जाएंगे। तो राइट नाउ इस तरीके से आप अपना रेजन खर्च कर सकते हो और फार्म कर सकते हो। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, ये कंफर्मेशन नहीं है 100%, मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। नेटलेन में आपको एक चीज मिलने वाली है जिससे आप अपने आर्टिफैक्ट्स का मेन स्टैट और सब स्टैट्स खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक तरीके से आर्टिफैक्ट सेलेक्टर है वो, जिसमें आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा सब स्टैट चाहिए या मेन स्टैट चाहिए, तो वो फीचर आने वाला है। अब वो किस तरीके से काम करेगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, तो आप उस चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा होप मत रखना, अदरवाइज मे बी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले क्योंकि हो बस दे सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि तुम लोगों को मैंने दे दी है। अगर तुम्हें
गेंशन की वीडियोस और चाहिए फ्यूचर में तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस।